खुटी बाजार के महादेव तालाब के पास के रहने वाले बंधु साव व केवल साव के वंशजों ने शनिवार को उपायुक्त को आवेदन देकर अपनी जमीन को बचाने की गुहार लगाई है। बताया गया कि बंगाल कोल कंपनी के द्वारा इनके पुरखों को 2 बीघा जमीन खाता नंबर 1366 के द्वारा बंदोबस्ती 1940 में मिले थे। इस जमीन पर बाद में मधु साव अपने जीवन काल में जोतपोड़ करते रहे। इनके मरने के बाद रामेश्वर साहू उसी जमीन पर जोतपोड़ करते आ रहे थे। जमीन के 2 डिसमिल पर नंदू साव अपने जीवन काल में एक दुर्गा मंडप बनवाए। दुर्गा मंडप के बगल पश्चिमी तरफ इनका मकान लगभग 3 डिसमिल पर बना हुआ है। इस जमीन की मालगुजारी रसीद 1956 से 2015 तक बंधु साहू के नाम से निर्गत है। बताया गया कि ये लोग आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं, इसी कारण इनकी जमीन पर 4 दीवारी नहीं हो पाई, लेकिन अब कुछ लोगों के द्वारा सरकारी सामुदायिक भवन इनके जमीन पर बनवाया जा रहा है। बताया गया कि एक दिन पहले इन्होंने थाने में आवेदन देकर काम को रुकवा दिया था, लेकिन फिर से दोबारा शनिवार को काम शुरू करा दिया गया। इन्होंने उपायुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। मामला है, हमारा मामला है कि हम लोग खानदानी से पूजा करते आ रहे हैं। हमारा ससुर के पहले पूजा करती थी, ससुर गुजर गया तो हमको रमेश्वर साहब बंधु साहब के बेटा है और हम लोग भी पूजा करते आ रहे हैं। हमारा अपना जमीन है, अपना सब कुछ है, हमारा रसीद पटवा जगह जमीन कागज पत्र सब है, लेकिन इतना से सरकारी कैसे पास कर दिया, बोलता है सीओ पास कर दिया है, तो मेरा जमीन है कैसे दिखा भवानी भवान कैसे पास कर दिया है, बोले हम दिखा भवानी दिखा भवानी तो कैसे क्या बन रहा है यहाँ पे सर, विवाह भवन बन गई है, ये विवाह भवन बनकर सीईओ कहता है कि आदेश दिया है विवाह भवन के पास, तो हम सीईओ से कहना चाहते हैं कि मेगा जमीन है, रजिस्टर 2 का पन्ना है सर, देखिए रजिस्टर 2 का पन्ना है, जब हमने सरकार को टैक्स देते हैं तो सरकार हमको कैसे हटा सकते हैं जमीन सर, इस सरकार हमें टैक्स क्यों दिया है, जब हमको हटाने के लिए कहता है कि गगमजो जमीन है, गगमजो जमीन है तो सबका गगमजो जमीन है, ग्रीड को टोटल गगमजो जमीन है, पचम्बा है, सीओडी है, बनियाडी है, छाता डाल सबके गगमजो जमीन है, तो कि हमको क्यों हटाने का आदेश दिए गए यहाँ कि विवाह भवन बनने दें, यहाँ सरकारी काम होने चाहिए सर, तो हमें आवेदन है कि हमको इंसाफ दे और मीडिया से भी कहते हैं कि हमको साथ दे, काम को रोका जाए।